सीबीएसई के स्कूलों में हैप्पी क्लासरूम खोलेंगे। स्कूल परिसर और कक्षा का माहौल स्वस्थ रहे और बच्चों को तनाव से दूर रखा जाए, इसके लिए हैप्पी क्लासरूम शुरू होंगे। स्कूल के शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। हाल में सीबीएसई द्वारा एक अध्ययन किया गया था, इसमें पाया गया कि कोरोना काल में बच्चों की क्लासरूम की पढ़ाई छूट गई थी। जब दोबारा बच्चे स्कूल आने लगे तो कक्षा में बैठकर पढ़ नहीं पा रहे थे, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। लगातार कक्षा में बैठने से 20 से 25 फीसदी बच्चे तनाव में रहने लगे थे। वहीं क्लास का माहौल भी खुशनुमा नहीं होने का असर बच्चों पर देखने को मिलता रहा। शिक्षक इन बातों को समझ नहीं पाए और उन्होंने बच्चों के मानसिक तनाव की वजह पर उनसे बात नहीं की। अध्ययन में इन बातों के सामने आने के बाद सीबीएसई ने हैप्पी क्लासरूम शुरू करने को लेकर स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि बोर्ड की ओर से यह अध्ययन 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के बीच किया गया था। इसमें बिहार से 10वीं और 12वीं के लगभग 57,000 विद्यार्थियों से फीडबैक लिया गया था। नया सत्र शुरू होने के बाद अब बोर्ड की ओर से स्कूलों को माहौल में बदलाव करने को कहा गया है। क्लासरूम में एकेडमिक पढ़ाई के साथ अब उन विषयों पर भी शिक्षक बच्चों से खुलकर बातें करेंगे, जिस कारण वे तनाव में रहते हैं। सामूहिक तौर पर बच्चों के साथ कभी साइबर सुरक्षा, कैरियर, किशोरावस्था आदि पर भी चर्चाएं होंगी। बता दें कि सीबीएसई की ओर से सभी स्कूलों से 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों की सूची भी मांगी गई है। एक शिक्षक को 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा विशेष प्रशिक्षण अप्रैल से ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत 22 विभिन्न विषयों पर शिक्षक प्रशिक्षित किए जाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षक उसे क्लासरूम में लागू करेंगे। अब आपको बताते हैं कि हैप्पी क्लासरूम का संचालन कैसे होगा। हर विषय पर शिक्षक एक शेड्यूल बनाएंगे। कक्षा में बैठे बच्चों के बीच सहयोग की भावना हो, इसके लिए उनके बीच गतिविधि कराएंगे। साइबर सुरक्षा, समावेशी शिक्षा, लिंग भेद आदि को दूर करने के लिए उनके साथ परिचर्चा भी होगी। बच्चों के जन्मदिन को महापुरुषों के जन्मदिन से जोड़कर उस पर कार्यक्रम आयोजित भी किया जाएगा। मोरल वैल्यू, प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ स्कूल के पुस्तकालय से बच्चों को जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से अब जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जो कोरोना काल में तनावपूर्ण स्थिति में देखने को मिले थे, अब उन्हें तनाव से दूर करने की सीबीएसई की तरफ से पहल शुरू कर दी गई है और बच्चों को तनाव ना हो, इसके लिए हैप्पी क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है।